देखो फिजिक्स मोशन चैप्टर का नाम है गति पार्ट 13। तुम लोग को पार्ट 12 में बतलाए थे वेग किसे कहते हैं। तो चाल आवेग में मुख्य रूप से दिशा का अंतर है। वेग में दिशा होता है, चाल में दिशा नहीं होती है। तो वेग धनात्मक एवं ऋणात्मक वेग का अर्थ बतावे, यानी किस वेग को, किस वेलोसिटी को हम धनात्मक कहेंगे और किस वेलोसिटी को ऋणात्मक कहेंगे। क्या वेग भी ऋणात्मक हो सकता है? ऐसी बात, इसका आंसर है नहीं। देखो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन में तो दिशा होती है, नहीं होती है ना, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो वेग तो एक तरह का विस्थापन है, तो इसीलिए दूरी नहीं लिख करके यहाँ विस्थापन लिखते हैं, ये सब पता ही दिए हैं। तो v बराबर SYT, s हो गया विस्थापन, t हो गया टाइम। क्योंकि समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, समय कभी पीछे मुड़ता है नहीं ना, इसलिए टी हमेशा धनात्मक होगा। यानी ये टी जो है इसमें धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यहाँ टी का मान अगर 5 सेकंड रखेंगे, इसका मतलब ये 5 सेकंड अभी से यात्रा शुरू करो, 5 सेकंड में कितना दूर जाता है। तो समय तो बीतता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो हमेशा प्लस में होगा। जैसे वेग में है ना, धनात्मक कब होगा और वेग ऋणात्मक कब होगा, इस पर हम बोल रहे हैं। तो जी का मान ऋणात्मक कब होगा, इससे पहले एक और बात को समझो। ए बराबर बी बटा सी है, ए का मान धनात्मक है ना बीजी, ए के पीछे कोई चीज नहीं तो प्लस चिन्ह छिपा है अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ अलजेब्रा। बी के पीछे भी प्लस, सी के पीछे भी प्लस, यानी ए अभी धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक मान है। अगर हम लोग लिखते हैं ए बराबर माइनस बी बाई सी, इसमें बोलो तो ए का मान अब धनात्मक दिखाई दे रहा है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि ए सी बराबर ए बराबर माइनस बी बटा सी, ए का मान तो ऋणात्मक हुआ, समझ रहा है। मान लो धनात्मक को ऋणात्मक बनाने के लिए बी और सी में से किसको बनाना होगा ऋणात्मक, ये दोनों को बनाना होगा, ये बोलो। कैसे, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? प्लस प्लस बी, प्लस प्लस छिपा हुआ प्लस, इसको भी प्लस प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ प्लस वाली बात है ना, यहाँ भी प्लस वाली बात, इसलिए प्लस 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 हुआ। अब देखो तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, क्या माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस है ना। ये तुमको पॉजिटिव मान है, धनात्मक मान है ए का। अगर इसी को हमें ऋणात्मक मान बनाना है तो या तो बी के पीछे माइनस देंगे तो पर भी ऋणात्मक मान होगा, या सी के पीछे माइनस देंगे तो पर भी ऋणात्मक मान होगा, नहीं होगा? बात को समझ रहे, झूठे हम यहाँ मिला रहे। यहाँ है तुमको प्लस बी प्लस सी, तो इसी में तू माइनस से गुना कर दोगे, माइनस गुने प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस बी बटा सी। अब ये का मान देखो, ये माइनस जो है
लग गया ऊपर में लगने का मतलब माइनस कॉमन ले, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बटा सी, ऐसा तो लिख सकते हैं प्लस माइनस, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं ना, बी के प्लस मान में अगर माइनस से गुना करोगे तो संपूर्ण का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव ऋणात्मक, नहीं होगा। अगर नीचे में गुना करेंगे तो पर भी संपूर्ण का वैल्यू होगा ऋणात्मक, है नहीं बात। इसमें ये सोचो समय हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा तो समय यहाँ पर हमेशा धनात्मक होगा, ये लाइन जो लिखे हैं, चूंकि समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है इसलिए टी टी यानी समय हमेशा धनात्मक होगा, इससे आगे नहीं जाओ अभी, यहीं तक ध्यान दो। इसका मतलब समय जब निगेटिव नहीं होगा तो विस्थापन निगेटिव हो सकता है, तब न वेग होगा ऋणात्मक। जब समय ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब विस्थापन ऋणात्मक होगा तब न वेग होगा ऋणात्मक। और विस्थापन ऋणात्मक कब होता है, जब मूल बिंदु से बाई ओर कोई पिंड यात्रा करे, याद करो डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ाए हैं, जैसे मान लो यहाँ से ये स्टेशन है, यहाँ से एक ट्रेन अगर पूरब की ओर दाई ओर खुलती है तो ये मूल बिंदु से जिसको निर्देश बिंदु बोले थे ओरिजिन पॉइंट ग्राफ में बताया है ना, तो एक्स का मान प्लस में होता है मूल बिंदु से दाई ओर ग्राफ में, और एक्स का मान मूल बिंदु से बाई ओर माइनस में। उसी तरह जहां से कोई पिंड यात्रा, मान लो इस बिंदु से यात्रा शुरू किया, दाई ओर तय की गई दूरी, यहाँ दूरी दाई ओर एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है, ओ से लेकर के बी तक देखो दिशा एक ही ओर है और कहाँ है तो दाई ओर, तो दाई ओर मूल बिंदु से कोई पिंड जाएगा तो कहेंगे इसका विस्थापन धनात्मक है, कहेंगे। तो वेग क्या है, वेग भी एक प्रकार का विस्थापन ही न है, निश्चित समय में इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को किसी पिंड का वेग कहते हैं। तो जब ये निश्चित दिशा, तो ये तो विस्थापन की परिभाषा है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है, नहीं कहलाता है। तो इसीलिए वेग में तुमको समय हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन विस्थापन मूल बिंदु से दाई ओर होगा तो विस्थापन प्लस। अगर यहाँ मूल बिंदु से बाई ओर कोई यात्रा किया, मान लो 10 किलोमीटर आया, ये विस्थापन होगा इसका एक्स बराबर माइनस 10 किलोमीटर, समझा। तो विस्थापन ही दिशा उसका धनात्मक तब होता है जब निर्देश बिंदु मूल बिंदु से वह दाई ओर यात्रा करेगा, गतिशील होगा कोई पिंड, तो विस्थापन धनात्मक। मूल बिंदु से बाई ओर यात्रा करेगा तो विस्थापन ऋणात्मक। तो विस्थापन के धनात्मक एवं ऋणात्मक होने के कारण वेग भी धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है, समझा। अब पंक्ति पढ़ो, क्योंकि समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है इसलिए टी हमेशा धनात्मक होगा, ये टी का मान यहाँ हमेशा धनात्मक होगा, अतः वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन का होगा। वेग का चिन्ह क्या होगा, तो जो विस्थापन का होगा, अगर विस्थापन दाई ओर हुआ तो विस्थापन दाई ओर हुआ तो विस्थापन की दिशा धनात्मक, इसलिए वेग भी प्लस जी, यानी वेग लिखेंगे तब मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 किलोमीटर प्रति आवर। अगर मान लो मूल बिंदु से बाई ओर विस्थापन हुआ 10 सेकंड में, मान लो 20 मीटर गया, इसलिए एक सेकंड में 2 मीटर, तो 2 मीटर जाएगा यहाँ तक दोस्त एक सेकंड में, तो कहेंगे इसका वेग हो गया v बराबर माइनस 2
मीटर प्रति सेकेंड, यानी माइनस ये बतलाता है दिशा के बारे में, जो मूल बिंदु से बाई ओर गया है कि बाई ओर, समय तो उतना ही 1 सेकेंड लगा। तो इन बातों का ये निष्कर्ष है। अब देखो लाइन पढ़ो, विस्थापन का चिन्ह वही हो, सॉरी वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन का होगा। वेग का चिन्ह यहाँ विस्थापन पर निर्भर करता है, विस्थापन अगर धनात्मक होगा तो वेग धनात्मक होगा, विस्थापन अगर ऋणात्मक होगा यानी मूल बिंदु से बाईं ओर पिंड जाएगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा वेग भी ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक वेग का अर्थ समझा जी। तो देखो, चूंकि पिंड अगर धनात्मक दिशा में गतिशील है, कोई पिंड धनात्मक दिशा में गतिशील है, मान लो ये कोई निर्देश बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट मानो, यहां से दाईं ओर कोई पिंड यात्रा करता है ए पर, और ये विस्थापन होता है F1, ये F1 दूरी है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है, तो F1 विस्थापन है। तो ऐसी स्थिति में इसका वेग, ये विस्थापन धनात्मक हुआ, इसका वेग लिखाएगा V का मान धनात्मक, है ना। अगर कोई पिंड यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से मान लो यहाँ आ गया, समझा, तो इसकी देखो दिशा बदल गई, 1 सेकंड में जितना जाता है, मान लो ये 10 मीटर यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है ए बी, तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में कितना विस्थापन हुआ, तो 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर, तो यहाँ पर विस्थापन एस होगा -10 मीटर। समझा भाई, मूल बिंदु से लेगा विस्थापन, तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ 10 मीटर माइनस यहाँ से यहाँ तक हो गया धनात्मक, तो 5 घटा 2 5 मीटर, तो 5 मीटर उसका विस्थापन हुआ -5 मीटर। मूल बिंदु से देखो -5 मीटर ना है, विस्थापन हमेशा मूल बिंदु से निकाला जाएगा, इस पर हिसाब जो है ना बतला रहे हैं, बतलाएंगे क्या वहाँ बेस में 10 मीटर -5 मीटर इसका कुल विस्थापन जो दिखाओगे ना, कुल विस्थापन यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया -10 मीटर, टोटल को जोड़ दो, पिंड मूल बिंदु से कितना हट करके है, इसका मतलब मूल बिंदु से वहां गया होगा, समझा, तो मूल बिंदु से +5 मीटर दूर है, यहां से यहां विस्थापन इतना, मतलब यहां से यहां तक गया +5 मीटर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक आया विपरीत दिशा में तो -10 मीटर, तो कुल विस्थापन कितना हो गया, दोनों का योग होगा, दोनों को जोड़ो तो -5 मीटर इसका कुल विस्थापन है, यानी मूल स्थान से वह 5 मीटर बाईं ओर विस्थापन पर कुछ हम प्रॉब्लम बनवाएंगे, लेकिन समझा इसको। देखो, चूंकि पिंड अगर धनात्मक दिशा में गतिशील है, तो विस्थापन मूल बिंदु से पोस्ट में दे दिया है, विस्थापन तो मूल बिंदु से न होगा, तो पिंड अगर धनात्मक दिशा में गतिशील है तो विस्थापन धनात्मक दिशा में होगी, बात सही है, और इसलिए विस्थापन धनात्मक होगा, धनात्मक दिशा में दूरी तय की गई इसलिए विस्थापन धनात्मक होगा ना, क्योंकि वेग भी एक तरह का विस्थापन ही है, वेग वास्तव में विस्थापन है ना,
अतः वेग भी धनात्मक होगा। इसका यह है विस्थापन धनात्मक तो वेग धनात्मक, तो यहाँ तक तो लोग लिख लिया। देखो विस्थापन जब धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक होगा, इसको समझ गया। तो इसका ठीक उल्टा, ठीक इसी तरह जब विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक होगा, लेकिन गति ऋणात्मक दिशा में होगी। इस पंक्तिकार समझा, मान लो इस बिंदु ओ से यात्रा शुरू करेगा कोई चिन्ह, तो दाई ओर गतिशील होगा यहाँ तक सी बिंदु तक, एक सेकंड में ये 10 मीटर आया, 10 मीटर जी समय लगा उसको, एक सेकंड एस से एस, एस से सेकंड, एक सेकंड में ये 10 मीटर की दूरी तय किया। मूल बिंदु से दाई ओर की दूरी को हम लोग धनात्मक कहते हैं, क्योंकि दूरी निश्चित दिशा में है कि ये विस्थापन हुआ। मूल बिंदु से दाई ओर के विस्थापन को हम लोग धनात्मक कहेंगे, मूल बिंदु से बाई ओर के विस्थापन को ऋणात्मक। ग्राफ बताए थे याद है नहीं याद है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट के दाई ओर एक्स एक्सिस पर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाई ओर की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। सेम कहानी इसमें है विस्थापन में, क्योंकि दिशा में निश्चित है जी। यहाँ से दौड़ कर यहाँ गया कोई, मान लो एक मोटरसाइकिल वाला एक सेकंड में 10 मीटर गया, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि विस्थापन धनात्मक है तो बी का मान धनात्मक होगा। धनात्मक में क्या, 10 मीटर एक सेकंड में, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। समझा, मान लो यहाँ से ये पिंड अगर यहाँ गया बी बिंदु तक, यहाँ से सीधे यहाँ एक सेकंड समय लगा, दूरी कितना है, ये भी है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर तो गया है, लेकिन किस दिशा में, बाई ओर, मूल बिंदु से बाई ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। मूल बिंदु से बाई ओर का विस्थापन हमेशा ऋणात्मक लेंगे। यहाँ विस्थापन बोलो मूल बिंदु से बाई ओर हुआ है, तो इसको बाई ओर हुआ है तो इसका वेग क्या लिखेगा, वेग बराबर -10 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस सिर्फ हमें दिशा की जानकारी बतलाता है, ये तो 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, रफ्तार है ही, है ना। तो माइनस सिर्फ दिशा के बारे में बतलाता है, यहाँ 10 के पीछे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब प्लस बता रहा है जो मूल बिंदु से दाई ओर की ओर यात्रा किया, जिसको निर्देश बिंदु कहते हैं फिजिक्स में। तो विस्थापन पर ही ये जी का मान यहाँ माइनस में है, तो वेग तो इसका -10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड तो है, लेकिन मूल स्थान से विपरीत दिशा में बाई ओर जा रहा है। तो सिर्फ दिशा बतलाने के लिए है ना ये, दिशा मीन्स विस्थापन, तय की गई दूरी 10 मीटर, वो कैसे, तो माइनस में, यानी मूल बिंदु से बाई ओर गया, 10 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग माइनस में है, जो दिशा के बारे में मान लीजिए कर रहा है। तो वेग ऋणात्मक कब होगा, जब विस्थापन ऋणात्मक होगा। वेग धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन धनात्मक होगा। इसको तू लोग अच्छी तरह समझ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चाल एवं वेग में क्या अंतर है। देखो चाल एवं वेग में क्या अंतर है, तो ये तो परिभाषा ही बतलाए, उसी के अनुसार लग रहा है ना। चाल इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं।
निशा की चाचा नैन है, चाहे वह पिंड रैखिक मार्ग पर गतिशील हो या वृत्ताकार मार्ग पर, इकाई समय में अगर वृत्ताकार मार्ग पर ही कोई पिंड कुछ दूरी तय करेगा तो उसका ताल होगा ना जी, मोटरसाइकिल लेकर के गोलम्बर के चार ओर एक चक्कर तुम मान लो 5 सेकंड में घूम लेते हो, एक चक्कर में उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, मान लो 50 मीटर दूरी तय किया वृत्ताकार मार्ग पर, एक चक्कर 50 मीटर की दूरी तय किया एक चक्कर में 5 सेकंड में, तो तुम्हारे मोटरसाइकिल का वेग क्या कितना, इकाई समय में वेग तो यहाँ नहीं होगा, ये तो निश्चित दिशा में होती है, यहाँ चाल होगा कि वेग तो चाल होगा क्योंकि वृत्तीय गति पर गतिशील पिंड की दिशा होती क्या है इस पर बतला दिए हैं, प्रत्येक बिंदु उस पर हाँ वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड जिस बिंदु पर रहेगा अपने गतिशील अवस्था में, वृत्ताकार मार्ग पर मान लो सी चंद्र वाला वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड गतिशील है, ये गतिशील है उसमें कभी वेग काम करेगा, ये कहेंगे जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है, मान लो जिस समय बिंदु ए पर है मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, तो ए पर उसकी दिशा क्या होगी, तो ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो मतलब त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो गया स्पर्श रेखा, इसकी दिशा ये होगी, फिर बिंदु बी पर जाएगा तो इसकी दिशा क्या होगी, तो स्पर्श रेखा खींचो यहाँ से ये 90 का कोण बना रहा है तो इसकी दिशा ये होगी, देखो प्रत्येक बिंदु पर यहाँ जब होगी उस समय ये होगी इसकी दिशा, स्पर्श रेखा खींचो जो केंद्र से 90 का कोण बना रहा है, तो इस बिंदु पर भी बदलता है ठीक आगे वाला पर बदलेगा, हर एक बिंदु पर उसकी गतिशील पिंड की दिशा बदलती जाएगी बदलेगी, यहाँ तो वेग में है, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अर्थात इकाई समय में इतना विस्थापन होता है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे, तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी इसमें तो पल पल दिशा बदल रहा है एक एक बिंदु पर, इसमें हम लोग वेग की चर्चा नहीं करेंगे, या वेग होगा जिस बिंदु पर पिंड रहेगा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस पिंड की गति की दिशा को बतलाएगा, याद रहेगा पॉइंट, जिस समय यहाँ रहेगा तो उसका वेग की दिशा ये हुआ, फिर अगले बिंदु पर बदलेगा पल पल बदलेगा, इसीलिए वृत्तीय चाल बोली जाती है, चाल में तो कोई दिशा नहीं, मान लो कि 1 सेकंड में 10 मीटर आया यहाँ तो प्रति सेकंड यानी 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आया है मान लो 10 मीटर हो गया, अब वृत्ताकार चाल दे या सरल रेखा में चाल दे तो चाल तो वक्राकार मार्ग पर भी कितना दूरी तय किया, यहाँ से इस वक्राकार मार्ग पर जाने में यहाँ तक जाने में इस दूरी को माप लो कितना हुआ, उतना उसके अनुसार चाल निकाल सकते हो, तो चाल किसी भी मार्ग पर हो सकता है, चाहे वह वृत्तीय मार्ग हो पिंड की चाल एक वृत्ताकार मार्ग पर भी पिंड की चाल होगी, सरल रेखीय मार्ग पर जब एक ही दिशा में किसी पिंड की चाल हो तो वह कहलाता है वेग, देखो चाल एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, पहला अंतर अर्थात चाल दिशा विहीन राशि है, दिशा विहीन का मतलब बिना दिशा का राशि है ये भौतिक राशि, हाँ फिर वेग में यह एक सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश दिशा सही है ना, अर्थात वेग वह चाल है जो दिशा युक्त होता है, दिशा युक्त मतलब दिशा के साथ क्या लैस, लैस मतलब साथ, अरे कहते हैं तू हथियार से लैस हो यानी तेरे पास हथियार है, हथियार युक्त
तो वेग वह चाल है, एक प्रकार का चाल ही न है, इकाई समय में तय की गई दूरी जो दिशा युक्त होता है अर्थात जिसमें दिशा होती है। तो एक सदिश राशि, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, एक दिशा विहीन दूसरा दिशा युक्त है ना। दूसरा पॉइंट, चाल में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेग में मैग्नीट्यूड एवं दिशा दोनों होती है, इसका क्या अर्थ हुआ? तो तुम लोगों को बताए थे ना मैग्नीट्यूड किसको कहेंगे, जैसे चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अंक और ये की का यूनिट है, चाल का यूनिट है ना किलोमीटर प्रति घंटा, तो अंक और यूनिट मिला करके ये कहलाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना कहलाएगा मैग्नीट्यूड, अंक और यूनिट मिला करके। अब फिर ये देखो, ये हो गया दिशा, इसमें दिशा है नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड और ये दिशा दोनों है, चाल में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर हम लोग कहे क्षेत्रफल, तो तू लोग बोलो तो अदिश राशि है कि सदिश? अदिश राशि जी। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ऐसा मात्रक में लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होता है इसका, होता है जी, वर्ग मीटर पूरब की ओर, नहीं न कहेंगे रूम का क्षेत्रफल, रूम के सतह का क्षेत्रफल मान लो 50 वर्ग मीटर है, ये नहीं न कहेंगे 50 वर्ग मीटर ऊपर की ओर या दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर, इसका अर्थ क्षेत्रफल जो हम लोग कहीं लिखेंगे मान लो 10 वर्ग मीटर, तो 10 वर्ग मीटर तो ये बतलाता है जो एक वर्ग मीटर का 10 गुना है, इतनी ही बात, लेकिन ये अंक आइए, ये जो हो गया क्षेत्रफल का यूनिट माप, तो अंक और माप मिला करके मैग्नीट्यूड कहेंगे इसको, ये बात याद रखना है। इसमें देखो दिशा है नहीं ना, तो जिस भौतिक राशि में क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है, दिशा नहीं हो उस भौतिक राशि को कहेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, आयतन में है दिशा नहीं ना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्षेत्रफल में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आयतन कहेंगे 5 लीटर, तो 5 लीटर मान लो पेट्रोल का आयतन हुआ जो हम लोग मोटरसाइकिल में डालेंगे, तो 5 लीटर, तो लीटर को आयतन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये नहीं कहेंगे 5 लीटर पेट्रोल ऊपर की ओर दो या दक्षिण की ओर दो, सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल दो, इसका मतलब इसमें भी लीटर आयतन के लिए है, आयतन में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन दिशा नहीं है, इसलिए आयतन क्या हो गया, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, समझा ना। तो चाल में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो है लेकिन दिशा नहीं है, वेग में क्या है मैग्नीट्यूड भी है और दिशा दोनों है, ये डिफरेंस हुआ ना चाल एवं वेग का। चलो देखो तीसरा डिफरेंस क्या है दोनों में, चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन से होता है, बोर्ड पर समझने की कोशिश करो, चाल में कैसे परिवर्तन होता है, तो अगर हम इस ए बी सरल रेखा पर मान लो कोई पिंड गतिशील है, ये ए से सी तक गया 1 घंटा में 50 किलोमीटर, समझा, तो इसकी चाल कितना कहेंगे 50 किलोमीटर चाल, वो पिंड ए से सी तक 50 किलोमीटर गया 1 घंटा में, उसका चाल कितना होगा 50 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा होगा, इसको क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड कहेंगे। चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन से होता है,
मान लो सी बिंदु से लेकर के इसको फिर 50 किलोमीटर, 50 नहीं यहाँ पर डी, यहाँ से यहाँ तक वो 70 किलोमीटर एक घंटा में आ गया, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ 70 किलोमीटर एक घंटा में आया, आया ना, तो सी एवं डी के बीच उसका ताल कितना रहा, उसका ताल हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मैग्नीट्यूड में देखो परिवर्तन हो गया, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा कैसे, तो 50 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखो ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों में अंतर है ना, ये चाल में जो अंतर आया है सिर्फ मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होता है, दिशा में नहीं, नहीं हो रहा है दिशा में, तो चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन से होता है, इसका अर्थ समझा। और देखो वेग में क्या होता है, वेग वाला पर उदाहरण समझो, वेग में परिवर्तन उसके मैग्नीट्यूड में, या यानी उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होता है, जैसे किसी समय पिंड का वेग हो गया तुमको, वेग पहला वेग यानी 10 किलोमीटर की दूरी मान लो एक घंटा में चला गया एक निश्चित दिशा में, उसका पहला वेग V1 मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दाहिनी ओर या उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ही पुनः वो अगला 10 किलोमीटर वो आधा घंटा में ही चला गया, इसका मतलब एक घंटा में 20 किलोमीटर गया, ए से बी तक ये हो गया 10 किलोमीटर, समझा, जिसको कोई पिंड ए से बी तक 10 किलोमीटर कितना एक निश्चित दिशा है, ये गया एक घंटा में, फिर बी से सी तक ये है 20 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 20 किलोमीटर चला गया एक निश्चित दिशा में ही, उसी दिशा में जा रहा है, ये एक घंटा में चला गया, इसका मतलब बिंदु बी पर इसका वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो दूसरा वेग को V2 मान दो, तो V2 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये वेग में देखो परिवर्तन हो गया, 10 किलोमीटर तक चला किस रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो बी से सी तक 20 किलोमीटर की दूरी कैसे किस वेग से तय किया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, दोनों का ये इसका मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका हो गया डबल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन से भी वेग में परिवर्तन हुआ है ना, तो वेग में परिवर्तन उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड में परिवर्तन के कारण आता है, या उसकी दिशा में, वेग की जब ये तो मान लो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहीं से पूरब की ओर 20 किलोमीटर की रफ्तार से या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिशा बदल गया, तो पर भी तो हम कहेंगे वेग में परिवर्तन हुआ, बात को ठीक से समझते चलो, एक आयताकार मार्ग है ए से लेकर के बी तक, कोई पिंड गतिशील है तो ए से बी तक की दूरी तय किया ये 10 किलोमीटर एक घंटा में, तो V1 यानी ए से बी तक उसका वेग कितना हो गया, निश्चित दिशा में गया तो ए से बी तक वेग हो गया उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखो इस दिशा में गया था, अब अचानक मुड़ गया पश्चिम की ओर, पहले उत्तर की ओर गया, यहाँ सीधे पश्चिम की ओर मुड़ गया, और ये मान लो 8 किलोमीटर है बी से लेकर के सी तक, तो 8 किलोमीटर की दूरी एक घंटा में तय किया, तो यहाँ इसका वेग कितना हो गया V2 8 किलोमीटर प्रति आवर, ये लिखेंगे पश्चिम की ओर और ये लिखेंगे उत्तर की ओर, तो यह मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहा, इसका चाल ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, इस 10 किलोमीटर को
एक घंटा में तय करता है। तो यहाँ पर तो दिशा हो गया पश्चिम की ओर, इसका वेग यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। तो जब ये दिशा बदला तो वेग बदल गया, दिशा चेंज हो गया तो वेग भी चेंज हो गया। तो वही कहता है वेग में परिवर्तन उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा पॉइंट, वेग में परिवर्तन उसकी दिशा में परिवर्तन के कारण भी होता है, ये उदाहरण से दिशा में परिवर्तन कारण भी होता है। तीसरा, या फिर दोनों में परिवर्तन के कारण होता है। मान लो यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया उत्तर की ओर, और फिर यहाँ पर चला गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने लगा, तो यहाँ पर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड भी 10 के बदला 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो 10 के बदला 15 आ गया। तो मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों में परिवर्तन के कारण भी वेग में परिवर्तन होता है, जबकि ताल में क्या है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन के कारण ताल में परिवर्तन आता है, दिशा का कुछ उसमें नहीं है। इस अंतर को तुम लोग समझा, 8-14 में तुम लोगों को पढ़ाएंगे त्वरण किसे कहते हैं, पार्टिक एक्सेलरेशन। मोटरसाइकिल तो चलाता है, कहता एक्सेलरेटर दो, तो अब समझ जाएगा ये क्या चीज है। इसके बाद अगला पार्ट में